मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यारे है नंदा शुक्ला भाई। जो नौबहार कॉलोनी गरम गड्ढा क्षेत्र है, इधर की पूरी पब्लिक कांग्रेस को ही वोट देगी। पंजे का बटन दबाते हम तो पंजे को देते हैं शुरू से और अभी भी उसी को देते। बीजेपी सरकार आई है, महंगाई बढ़ती जा रही है। भाजपा वाले साले सुनते कहाँ है हमारी, न हमें लाडली बहना के कमल वालों ने तो कुछ करा ही नहीं है अभी तक। हमारे घरों में पानी नाली का जा रहा है। कांग्रेस ने 35 साल राज किया, इंदिरा गांधी, राजीव जी, सोनिया गांधी सब ने राज किया 35 साल। जितना तुम हिंदुओं का कर रहे हो उतना हम लोगों का भी तो करो। तू पर भरोसा करे भाई, इसलिए हम लोग पंजे पे भरोसा करे। वोट लेने के हकदार बनते पर गरीबों पे ना आके देखते नहीं। मिलर टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल की नरेला विधानसभा सीट पर। इस सीट पर मुसलमानों का वोट अच्छा खासा है। मुसलमानों का वोट किसी के हार और जीत का फैसला करता है। मुसलमानों में नाराज़गी भी है कि किसी मुसलमान को टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया। लड़ाई मानी जा रही है कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज शुक्ला और बीजेपी के उम्मीदवार के दरमियान, जो यहाँ के सिटिंग MLA हैं, मिनिस्टर भी हैं। दूसरी तरफ कई मुसलमान यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार है। SDPI से मुफ्ती अताउर रहमान उम्मीदवार है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी हाजी रईसा उम्मीदवार है। इसके अलावा भी कई मुसलमान इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं और काफ़ी टफ लड़ाई मानी जा रही है। यहाँ जो लोग हैं इनसे जानेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, मुद्दे क्या है, किस तरह वोट करेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा भाई महंगाई का है। जब से बीजेपी सरकार आई है महंगाई बढ़ती जा रही है। सिलेंडर 450 का था, आज 1000 पार कर गया है। 1200 का है एक सिलेंडर है। और बाकी क्या है, पेट्रोल महंगा हुआ है। 60 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था, आज 2 पार कर गया भाई। 100 पार है, मतलब 100 पार है भाई। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है बीजेपी आने से। चीज तो बढ़ता जा रही है, कोई भी चीज बीजेपी आने से महंगाई बहुत बढ़ चुकी है क्षेत्र में। हमारी मेरा नाम हसीम है। जितने साल भी बिग बॉस सारंग जी को यहाँ हो गए, हमारे क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं होता है। आप जाके चल के देखिए, नालियों की हालत देखिए, रोड की हालत देखिए। और अगर हम वोट देते हैं तो कहते हैं हमें आप लोग वोट नहीं देते। हम वोट देते हैं तो भी मतलब नहीं है, तो भी कहते हैं आप हमें वोट नहीं देते। और ये बीजेपी के विधायक, ये बीजेपी उनका बिस्बा सारंग जी, हाँ, हम पिछले 20 सालों से उनके लिए काम कर रहे हैं। नारे लगाने का काम कर रहे हैं, दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, उनके स्वागत के लिए 2-2, 3-3 घंटे खड़े रहते हैं। लेकिन आज तक हमारे क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं करा, ना कभी हमारे लिए खड़े होते हैं। और उनके जो साथ रहते हैं वो और उन्हीं उनका भेदभाव करते हैं। आप लोग कांग्रेस को यहाँ से जिताना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कई मुसलमान उम्मीदवार बने हैं और लोगों को खदशा है कि इस सीट पर बीजेपी आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि मुसलमानों का वोट तकसीम हो रहा है। SDPI है, आम आदमी पार्टी से है, कुछ आजाद उम्मीदवार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ कांग्रेस को ही वोट देंगे आप। रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि जो नौबहार कॉलोनी गरम गड्ढा क्षेत्र है, इधर की पूरी पब्लिक कांग्रेस को ही वोट देगी। जी चाचा बड़े सीनियर हैं। चाचा, हजारों गम के मारो की दुआएं साथ है तुम्हारे, हजारों गम के मारो की दुआएं साथ है तुम्हारे। ए मनोज भाई, मिलेगी कामयाबी तुम्हें। सोने का कड़ा हीरे से जरा, वो प्यार इतना बड़ा कि हमारे मनोज भाई को वोट देना ही पड़ा। विकास की गंगा बहाते चलो, विकास की गंगा बहाते चलो, पंजे का बटन दबाते चलो, पंजे का बटन दबाते चलो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार है नंदा शुक्ला भाई। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, पंजे का बटन दबाते चलो। हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, मनोज शुक्ला हमारा है। तो मनोज शुक्ला जी के लिए तो आपने बड़ी अच्छी नज़म पढ़ी, आपने खुद लिखा है, किसने लिखे दिया? मैं कट्टर कांग्रेस हूँ भाई। अच्छा, कट्टर कांग्रेसी? कांग्रेस का। कब से कांग्रेसी हैं? पूरी उम्र निकाल दी मैंने, तो खुद बोलता हूँ, खुद विचार करता हूँ। तो आपने खुद से लिखा है ये? हाँ जी।
और मैं कांग्रेस की लड़ाई सीधे बीजेपी से है और बीजेपी कहती है कि जो हिंदू है प्रदेश को हमको वोट कर रहा है क्योंकि हमने उनके लिए राम मंदिर बनाया है, उनके लिए हमने काम किया है। क्या होता है उनके लिए बनाया ना, हम लोगों के लिए तो नहीं बनाया ना भाई, फिरका फिरस्ती नहीं हो रही ना, ये तो फिरका फिरस्ती है सरासर। हम बोल भाई उन्होंने मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, हम लोगों के लिए क्या किया? आज तक रोड नहीं बनाया, इसलिए नहीं दे रहे क्या? मुसलमान है, मुसलमान है इसलिए, हाँ इसीलिए नहीं दे रहा है। और दूसरी बात, लॉकडाउन में पूरे लॉकडाउन में लोगों कांग्रेस बीजेपी वाला एक भी आदमी अगर इस कांग्रेस में आ गए हो तो बोले कांग्रेस ने 35 साल राज किया, इंदिरा गांधी, राजीव जी, सोनिया गांधी सब ने राज किया 35 साल, और 35 साल में ऑटो वालों के लिए 40 रुपए लीटर पेट्रोल था और आज कितना है? 110 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल गैस, इतना महंगाई बढ़ी कि आज के द्वार से महंगाई बढ़ती है। अरे तो ऐसे कैसे वक्त बड़ा भाई, ऐसे कैसे वक्त बड़ा? 35 साल इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने राज किया और उन्होंने इतना महंगाई नहीं बढ़ाई, आज इतनी महंगाई बढ़ गई तो कि ये गरीबों को सरकार बदलेगी तो महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल कम होगी। क्या लगता है हमारे कमलनाथ जी का कहना ये है कि हम लोग गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। आज कमलनाथ जी बहुत बेचैन है हिंदुस्तान के अंदर और हमारे भोपाल एमपी के अंदर राज करने के लिए। इंशाल्लाह कांग्रेस आएगी, हमारे सबकी गरीबों की दुआ है कि कांग्रेस आएगी इंशाल्लाह। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली तमन्ना एक एक बच्चा के दिल में तमन्ना यही है, कल फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल में है जोर कितना, बाजुए कातिल में, कातिल में कांग्रेसी है बच्चा बच्चा। क्या नाम आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह आप यही रहते हैं? हाँ। आप प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? हम कांग्रेस की चाहते हैं। क्यों सरकार कांग्रेस की चाहते हैं? कांग्रेस जब भाजपा वाले साले सुनते कहाँ है हमारी, हमें लाडली बहन आके भाजपा वाले ने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया है, आर्टिकल 370 को हटा दिया, केस चल रहा है, जब केस टूटा इनके राज में टूटा तो इन्हें नहीं कराया जे, वो जब समय आता है जब ये होता है, ये इनकी कोई वो नहीं है इसमें, नहीं वो धर्म के नाम पर वोट मांग दो, नहीं नहीं वो गलत मांग दे, वो धर्म के का गलत, किसी ने नहीं सुनी हमारी, हम तड़पते रहे, हमारे बच्चे भूखन से मरते रहे, हम तड़पते रहे, खटिया पर पड़े पड़े, ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं क्या? आपने उन्हीं को वोट किया था? कौन को? शिवराज सिंह चौहान को, बीजेपी को। हमने पहले किया था लेकिन अब नहीं करेंगे। तो आपने पहले वोट किया था, आपका काम नहीं किया, वोट नहीं करेंगे? हाँ तो सही बात है, हमारा काम नहीं किया तो क्या बोलिए? नहीं नहीं हमने चाहते ना विश्वास सारंग को चाहते, हम देखो हम विकलांग भाई थे, विश्वास सारंग के दरवाजे पे गए थे, सारे कुत्ते ने हमारी बात नहीं सुनी। क्या लेकर गए थे आप? क्या कह रहे? हम जो सहायता मांगने गए थे, हमारा टूट गया था, हम 10 बार गए हम उसके पास, सारे कुत्ते ने हमारी बात नहीं सुनी, और क्या बोले हमसे बताओ? आप किसी मोहल्ला में रहते हैं पीछे? हम कहीं भी रहते हो उससे मतलब नहीं है, क्यों नहीं सुना हमारा? हमारी मदद करने चाहिए थे ना, हमारा हाथ टूटा, हम अस्पताल में भर्ती, हम 10 बार उसके दरवाजे पर। शिवराज सिंह चौहान को क्यों नहीं खत लिखा? सबको लिखा मान से हूँ मैं, और मैं सपोर्ट तो पहले बीजेपी को करता था, 3 साल मेहनत करने के बाद क्या मिला हम लोग? बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा में थे आप, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे आप? हम इसलिए कर रहे थे कि हमारे विकास हो जाए मोहल्लों में, हमारे लोगों का विकास हो, किसी का कुछ नहीं हो, हमारा ही नहीं हो कर पाए साढ़े साल। तो पिछले इलेक्शन में आपकी बीजेपी को सपोर्ट करा था, क्या किया था, किस लिए किया था, क्या आप लोग? हमने इसलिए किया था कि हमें गुंडे बदमाश, पहले तो हमारे आपे वाले गुंडे बदमाशों से सेफ रहे, लेकिन ऐसी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमने तो थाने में भी आवेदन दिए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो गुंडे बदमाश उल्टा हम पे केस लगवा देते हैं यूनियन पे झूठे, और वो लग जाते हैं, लेकिन यूनियन अगर इनसे सपोर्ट मांगती है तो कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये आते हैं हमसे कहते हैं कि झंडे लगा बिना लगा, मतलब हम एक मतलब पुलिस प्रशासन से सपोर्ट नहीं मिल रहा था? हाँ कहीं से नहीं मिला हमें, तो कहीं से नहीं, सब जगह जहाँ जहाँ आवेदन लगाए थे वो सारे आवेदन लगे फुल रिसीव के साथ लगे, हमारा कुछ नहीं। आप मुसलमान है, बीजेपी कह रहे हैं कि अभी मुसलमान भी हमको सपोर्ट कर रहे थे, तो मुसलमान होने के ऐसे बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर करते थे सपोर्ट, लेकिन समझा नहीं ना, सपोर्ट कर रहे, समझा ही नहीं ना मुसलमान को, मुसलमान को समझो तो मुसलमान सपोर्ट। पीछे हटते और भी लोग इनसे बातचीत करते हैं, पीछे महिलाएं मौजूद हैं इनसे बातचीत करते हैं। फूल लेके किसके लिए बैठी हैं आप? नेताजी को डालिएगा, मुझे नहीं, नेताजी आना भी बाकी है। नेताजी हमारे बच्चे हैं,
आपके बच्चे हैं तो कौन कौन ला के दी से आपको? हमें सबने ला के दिए, रख लो डालना सबके ऊपर। अच्छा, सबके ऊपर डालना। तो वोटर कार्ड बना हुआ है आपका, वोट डालते हैं? क्या सोच कर वोट डालते हैं आप? हम तो पंजा को देते हैं शुरू से और अभी भी उसी को देते हैं। क्यों देते हैं पंजा को? क्या क्या पंजा वालों ने आपके लिए नहीं किया तो क्या करें? मगर हम शुरू से उसको ही देते हैं, शुरू से उसको ही वोट देते हैं। हमने कमल को नहीं दिया कभी। क्यों नहीं दिया कमल को? नहीं देते हम इसलिए। मोदी जी तो बहुत चर्चित नेता है, दुनिया भर में मशहूर है, क्यों नहीं वोट करते? मोदी जी कहते हैं मुसलमान महिलाएं हमारी बहन है। हाँ तो मुसलमान है, बहने तो है। मौ करो आके भी देखो, हमारी नानी देखो चल के जा रहा, हमारा महल देखो आप चल के, जितना तुम हिंदुओं का कर रहे हो उतना हम लोगों का भी तो करो। काम नहीं हुआ है बिल्कुल, कह रहे शिवराज सिंह की जो सरकार रही है 18 साल से प्रदेश में भेदभाव वाली सरकार रही है, मुसलमानों के मोहल्ले में काम नहीं किया है। जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है वज़ीर-ए-आज़म मोदी का जुमला है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और यहाँ सबके विकास का जो नारा है वो सरासर झूठा साबित हो रहा है, विश्वास का मरहला आगे है। आपका क्या नाम है आंटी? फातिमा। फातिमा जी, यहाँ पर क्या करने आई हैं? यहाँ फूल डालने आए हैं। फूल डालने आए हैं? वोट डालने जाते हैं? वोट डालने जाते हैं। गैस कैसे है आपका? गैस सिलेंडर कितने का आ रहा है? क्या नाम है आपका? फरजाना। फरजाना, आप हाउस वाइफ है कि सोशल वर्कर है? हम शादीशुदा हैं। अच्छा, शादीशुदा हैं। तो आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? इसलिए बैठे हैं, नेताजी आ रहे हैं, फूल डालेंगे, वोट उन्हीं को देंगे। तो नेताजी को वोट भी डालिएगा, फूल भी डालिएगा, मेहरबानी। क्यों? इसलिए कि भाई आए या नहीं आए, कमल वालों ने तो कुछ करा ही नहीं है अभी तक। हमारे घरों में पानी नाली का जा रहा है, हम भी मजदूरी करते हैं, अगर यहाँ आके हम ठेले के पैसे इधर आ जाएंगे तो हमारी नालियाँ खड़े होकर करवाना पड़ेंगी हमें। नगर निगम के आदमी भी आते हैं, वो भी वापस चले जाते हैं, तो हम लोग कहाँ क्या करेंगे, किसको पर भरोसा करें भाई? इसलिए हम लोग पंजे पे भरोसा करें। पिछली बार किस पे भरोसा किया? पंजे ही पे कर रहे हैं हम तो, शुरू से पंजे पे डालना है और डालते रहेंगे। जीत मिले ना मिले? नहीं मिले। आप काम क्या करते हैं? हम फल का ठेला लगाते हैं। आप खुद ठेला लगाते? खुद लगाते हैं ना। और आपके शौहर? हमारे शौहर कंपनी में, उधर समोसे की कंपनी में काम करने जाते हैं वो भी। हाँ, आप यहाँ पर किस लिए आई है? आप भी फूल वोट डालने आई है? तो सब लोग मूड बनाए हुए पंजा को वोट डालने का, कमल पर क्यों नहीं वोट डालेंगे आप? हम शुरू से पंजे को ही दे रहे हैं। शुरू से पंजा को? हाँ, शुरू से दे रहे हैं। हमारे पिताजी जिनका थे ना, इंदिरा गांधी की टाइम से दे रहे हैं। अच्छा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ना जब से मुझको देते थे। यहाँ से एक मुफ्ती साहब खड़े हुए हैं इस विधानसभा से, तब तो उन्हीं को देंगे, उनको भी वोट दीजिएगा। नहीं, पंजे हम तो पंजे को देंगे, हमें नहीं मालूम कौन। हाँ, कौन है? पंजे को देंगे हम तो। आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार खड़ा है यहाँ, झाड़ू छाप वाला, जिसकी दिल्ली में सरकार है। पंजे को ही देंगे हम, पंजे को ही देंगे, पंजे को, पंजे को हम जब दे देते। इंदिरा गांधी को जानते हैं? कौन थी वो? प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, है ना? हाँ, ये सही बात है। आयरन लेडी कहा जाता है इंदिरा गांधी को? जी, आयरन लेडी कहा जाता है इंदिरा गांधी? हाँ, इंग्लिश में कहते हैं, हम इंग्लिश आती नहीं बेटा। ये इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये नरेला विधानसभा एरिया है, यहाँ लोगों में जज्बा है, जुनून है। कांग्रेस के विधायक का ये लोग अभी रैली निकाल रहे, समर्थन कर रहे हैं, और बच्चे बड़ी तादाद में है, सबने वो मास्क लगा रखा है, फेस लगा रखा है उनका। क्या कह रहे हैं आप? लॉकडाउन में भी कभी नहीं आए कि हम लोगों को कोई चीज की व्यवस्था है या नहीं, आप लोगों को मदद करें या नहीं करें, कुछ नहीं करा। इधर इस महल्ले के अंदर कोई नहीं आया, हम लोग तो खुद लॉकडाउन में ठेला लगाते कर रहे थे। वोट लेने के हकदार बनते पर गरीबों पे ना आके देखते नहीं, क्या क्या गरीबों पे गुजर रही ना क्या नहीं गुजर रही है कोई उनको परवाह। मैं मध्य प्रदेश में दौरा कर रहा हूँ, चुनावी यात्रा है, मिल्ला टाइम्स की जगह जगह जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ आकर जो बात सुनने को मिली है, लोगों ने जो बताया, वो बहुत बड़ी बात है। और शायद अगर इस वीडियो को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी देख ले या उनके किसी बड़े लीडर तक ये वीडियो पहुंच जाए तो उनको सोचना होगा, तवज्जो देनी होगी कि उनके पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनके लोग जो चुनकर असेंबली में विधानसभा में जाते हैं, वो भेदभाव करते हैं, हिंदुओं के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के इलाके में उनका काम नहीं करता। और ये तस्वीरें उसकी मुँह बोलती तस्वीर है, और ये चुनाव सबसे बड़ा मौका है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिल्ला टाइम्स की चुनावी यात्रा लगा
लगातार जारी है, आप इसके साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। हम कुछ और इलाकों में जाएंगे और बताएंगे ग्राउंड जीरो से वहाँ की सच्चाई क्या है। आप किसके साथ हैं, किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स।